हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू बैंकिंग आईक्यू। एंड इन बैंकिंग आईक्यू आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, इलेक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और मेरा नाम है कुमार गौरव, और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, ओके। सो आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 डील्स विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो भारतीय संविधान के पार्ट 5 में आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात होती है, ओके। और यूनियन एग्जीक्यूटिव होते क्या क्या हैं? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ओके। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ओके। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट जो कि एम वेंकैया नायडू, 13वें वाइस प्रेसिडेंट हैं ये भारत के, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी होम मिनिस्टर होते हैं, ओके, और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है ना, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि है के वेणुगोपाल, ओके। अब ये हैं प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद, ओके। और 26 जनवरी थी कल, तो इन्होंने कल ही फ्लैग होस्टिंग की है, ओके। और जो रिपब्लिक डे होता है, रिपब्लिक डे पे जो फ्लैग होस्टिंग होती है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। और इंडिया एक रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, ये चुने जाते हैं पीपल के द्वारा, ओके, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। अभी हम लोग इलेक्शन प्रोसेस पे भी बात करेंगे, ओके। दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड रिपब्लिक। वहीं पे अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ओके। यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है यूके में वो मोनार्की है, मोनार्कियल है, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव एक्शंस होते हैं वो वहाँ की पार्लियामेंट लेती है। दैट्स व्हाई यूके इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वहीं पे अगर आप बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। वहाँ पे हेरिडेटरियल फॉर्म ऑफ मोनार्की है, ओके। तो ये था। और यूएस अगेन एक रिपब्लिक है, ठीक है, यूएस अगेन एक रिपब्लिक है जहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये थे रिपब्लिक के बारे में। अब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या होते हैं? तो ही इज़ द हेड ऑफ अ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द डे। जो भी गवर्नमेंट सेंटर में रूल कर रही है उनके हेड होते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो, ओके। एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ डिसीजन अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना डिसीजन लेती है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना अपने फंक्शंस को परस्यू करती है, ठीक है, अपने फंक्शन को कैरी आउट करती है, वो किसके नाम पे करती है? तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही करती है। सो मींस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरी आउट इट्स फंक्शंस ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑन द बिहेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे सीएजी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज मतलब सीजेआई के अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, ओके। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तभी एक्ट करेंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई विवेक से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल ओनली एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ओके, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के, वो होते हैं चीफ एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? सो ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। तो जो भी लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी होती है उसके जो लीडर होते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जो लीड आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि जो मेजोरिटी होती है लोकसभा में, मेजोरिटी पार्टी जो होती है, तो उसके जो लीडर होते हैं उन्हीं को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पे अपॉइंट करते हैं, ओके। अब है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी प्रेसिडेंट जो हैं भारत के वो पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, ओके। जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर क्या एमपीज़ होते हैं, एमपीज़ डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा के, ओके। वहीं अगर हम राज्यसभा के एमपी की बात करेंगे तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि उनको एमएलएज चुनते हैं, ठीक है, एमएलएज।
तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, तो इलेक्टोरल कॉलेज के तहत इनको इनका इलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन कंडक्ट कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो होता है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट यानी MLAs होते हैं। एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो दो यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनके जो विधायक होते हैं वो बस दो ही हैं यूनियन टेरिटरी जिनके लेजिस्लेटिव असेंबली है, ओके। तो ये भी ये इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे, ओके। अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा नोट है जो आप याद रखेंगे कि द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो भी मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं पार्लियामेंट में, दो मेंबर याद रखिएगा, लोकसभा में दो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, राज्यसभा में भी मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, तो वो वोट नहीं करेंगे। उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली में भी गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, वो भी वोट नहीं करते हैं। एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसका मतलब होता है MLC, ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के जो भी मेंबर होते हैं वो वोट नहीं करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इंडिया में, भारत में 7 ऐसी स्टेट हैं जो बाईकैमरल हैं, ठीक है, बाईकैमरल हैं, यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो वो स्टेट कौन कौन से है, तो वो स्टेट है बिहार, UP, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र। तो ये 7 स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ओके। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो वोट नहीं करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो आप याद रखेंगे, ओके। अब है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन है, पहला, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, ओके, यानी मिनिमम एज जो है वो है 35+। एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज एन MP ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा MP के लिए जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, अगर आप एलिजिबल हैं फॉर कॉन्टेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा MP इलेक्शन, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। बट 35 साल अगर आप लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा में जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एज है वो है 25, और यहाँ पे एज का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा, बट एज का जो डिफरेंस हो जाता है यही है। एज आप याद रखेंगे, इसमें 35 चाहिए, इसमें 25 चाहिए। एंड द लास्ट, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में वो कोई पोस्ट होल्ड नहीं करने चाहिए, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओके। पावर्स की बात करते हैं, तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, तो एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जो भी कानून बनता है जब तक उस कानून पे प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर नहीं होगा, एसेंट नहीं आएगा, वो एक्ट जो है, जो बिल पास होता है द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जब तक उस पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हो जाए, उस पे एसेंट नहीं मिल जाए, वो जो बिल है, वो एक्ट है, वो लॉ नहीं बन सकता है। फाइनेंशियल पावर्स हैं, ठीक है, बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, बट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, तो फाइनेंशियल पावर है। जुडिशियल पावर है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस रिलेटेड, और अगर किसी को फांसी की सज़ा मिलती है तो उन पे भी इनके बहुत सारे पावर्स हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स का मतलब होता है कि जो बाहर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्रीमेंट साइन करती है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे साइन करके आती है, ओके। एंड इमरजेंसी पावर्स, तो हम लोग आज इमरजेंसी पावर्स के बारे में बात करेंगे, बाकी ये पार्ट सेकंड में बात करूंगा मैं इन सब के बारे में। तो चलिए हम लोग इमरजेंसी पावर्स के बारे में बात करते हैं प्रेसिडेंट के। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है, और जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 352 टू 360, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्ट 18, और द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरह के इमरजेंसी के बारे में बात करता है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, जो धारा 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा है प्रेसिडेंट्स रूल, जो धारा 356 के तहत लगाया जाता है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 360, धारा 360, ओके।
अब है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट्स गो इन टू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। तो इमरजेंसी के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरा का पूरा पावरफुल हो जाती है और वो जब तक चाहे पावर में रह सकती है, कोई इलेक्शन होल्ड नहीं होता है। एंड द स्टेट गो इन टू टोटल कंट्रोल ऑफ सेंटर, और जो राज्य सरकारें हैं वो बर्खास्त हो जाती हैं। ओके, जो राज्य सरकारें हैं वो अपने आप बर्खास्त हो जाएंगी और वो जो स्टेट्स हैं वो टोटली कंट्रोल में चली जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। ओके, अब ये नेशनल इमरजेंसी ऐसा तो नहीं है कि किसी भी ग्राउंड पे आप घोषित कर दोगे, प्रोक्लेम कर दोगे। तो जो ग्राउंड है फॉर प्रोक्लेमिंग नेशनल इमरजेंसी, फॉर डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी इज ऑन वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन ऑन और आर्म रिबेलियन। ओके, आर्म रिबेलियन पे है। और ये जो आर्म रिबेलियन है ये 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म रिबेलियन। याद रखें, नेशनल इमरजेंसी 1971 में प्रोक्लेम की गई थी बाय द देन गवर्नमेंट, डेट वॉज इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट। ओके, तो उनके द्वारा ये इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया था और उस टाइम इंटरनल डिस्टर्बेंस को ग्राउंड बनाया गया था नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए। इस कारण से फिर जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद इस आर्म्ड रिबेलियन को रिप्लेस कर दी, सॉरी, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन के साथ। नाउ इट इज़ मोर स्पेसिफिक। ओके, इट इज़ मेड मोर स्पेसिफिक। अब आप आर्म रिबेलियन हो किसी भी पार्ट में तो आप इमरजेंसी लगाइए। ओके, और इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल इमरजेंसी, एक होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो आर्म रिबेलियन जब ग्राउंड होता है इमरजेंसी डिक्लेयर करने का, तब उसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। ओके, मीन्स द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेलियन इट इज़ टर्म्ड एज इंटरनल इमरजेंसी, वेयर एज वेन इट इज़ डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर हम इसके अप्रूवल की बात करते हैं और ड्यूरेशन की बात करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी को विद द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, नेशनल इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड विद इन वन मंथ फ्रॉम द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी एक मंथ के अंदर दोनों हाउसेज से इसको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। ओके, एंड देन इट कैन कंटिन्यू फॉर इनडेफिनिट पीरियड, इसके लिए कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, बट ये छः महीने, हर छः महीने पे पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है इसके लिए। ओके, तो हर एक छः महीने में यह पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है। ओके, और वहीं अगर एक बार लगता है तो छः महीने तक चलेगा, फिर से आप छः महीने के बाद आप अप्रूवल लीजिए बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एंड इट कैन कंटिन्यू इनडेफिनेटली। द सेकेंड इज प्रेसिडेंट रूल, यह है आर्टिकल 356 जो आप सुनते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जो स्टेट्स में, तो वो होता है आर्टिकल 356। इसमें भी दो आर्टिकल्स हैं, एक है आर्टिकल 356, दूसरा है आर्टिकल 365। ओके, तो आर्टिकल 365 जो है वो तब लगाया जाता है जब स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और टू गिव एनी इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर कुछ बोल रहा है और स्टेट कुछ और कर रहा है, यानी दोनों कॉन्फ्लिक्ट पे हैं, तब अगर प्रेसिडेंट चाहें, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है तो वो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे समझे तो वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा हुआ था जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी यूपी में, तो उनके सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था इसी धारा पे, धारा 365 लगा के। और धारा 356 होता है जब ये तब लगाया जाता है ड्यू टू द फेल्यूअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अब ये फेल्यूअर होता कब है, तो जब विधानसभा त्रिशंकु हो जाए, मतलब किसी भी पार्टी की मेजोरिटी ना आए लेजिस्लेटिव असेंबली में, व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, देन आर्टिकल 356 इज़ यूज्ड। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल। ओके, अब इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं और अप्रूवल की, तो इट ऑल्सो नीड अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट, फ्रॉम द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन टू मंथ्स। नेशनल इमरजेंसी में एक मंथ चाहिए, इसमें दो मंथ का टाइम दिया जाता है। ओके, एंड मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो है 3 साल, आप 3 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में, बट यू नीड टू गेट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट टाइम टू टाइम, यानी हर एक छः महीने पे आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। ओके, पार्लियामेंट से। तो यह प्रेसिडेंट रूल। एंड द नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360
ओके तो आर्टिकल 360 इंपावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज राइजन ड्यू टू विच देयर इज थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। ओके तो जब प्रेसिडेंट को लगता है व्हेन ही इज सेटिस्फाइड कि ऐसा ऐसा कोई सिचुएशन आ गया है और इसके कारण भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट पे खतरा है, ठीक है, या किसी भी पार्ट ऑफ इस टेरिटरी, जैसे कोई भी टेरिटरी भारत के किसी भी टेरिटरी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे खतरा है, अगर ऐसा प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, उनको लगता है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। ओके और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए मैं बता दूँ, द पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ नेसेसरी फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, और इसमें विद इन वन मंथ आपको अप्रूवल चाहिए विद द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ओके एंड इसमें कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है। ओके और इसमें कोई टाइम टू टाइम अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं, यानी वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट इट कैन कंटिन्यू टिल द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड ओके टू रिवोक। ओके अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हैं कि अब रिवोक कर दिया जाए तो रिवोक कर सकते हैं, अगर वो नहीं सेटिस्फाइड हैं तो वो रिवोक नहीं होगा। ओके तो वो उनकी मन पे है, ठीक है। इट्स प्रेसिडेंट हियर एंजॉयज एब्सोल्यूट वीटो। ओके तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हो अपना एक उनके पास पावर है, ओके वो जब तक चाहें फाइनेंशियल इमरजेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके अब यहाँ पे जैसे है पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, तो नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी वंस डिक्लेयर शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज, मैंने बताया आपको एक मंथ के भीतर ले लेना है अप्रूवल। दूसरे में है प्रेसिडेंट रूल दिस टाइम पीरियड इज ऑफ 2 मंथ, यानी 2 मंथ के लिए, और वहीं नेशनल इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर इनडेफिनिट पीरियड बट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ, हर एक 6 महीने में अप्रूवल चाहिए फ्रॉम द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। वेयर एज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज 3 ईयर विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ, और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है प्रेसिडेंट रूल का वो है 3 साल के लिए एंड विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ, यानी हर एक 6 महीने में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी मैक्सिमम टाइम फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, और मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब किया है एंड इसमें टाइम टू टाइम पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है, तो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज ऑल्सो नॉट नीडेड। ओके अब एक और छोटा सा टर्म है जुडिशियल रिव्यू का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये छोटा नहीं है, छोटा बस कहने का है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू होता है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करती है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू अगर आप किसी भी तरह का इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं प्रेसिडेंट, तो वो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा, ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा। ओके और अगर जैसे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया है और अगर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ग्राउंड ऑन विच दैट इज डिक्लेयर्ड, इट कैन बी रिवोक्ड। सुप्रीम कोर्ट कैन रिवोक दैट इमरजेंसी ऑफ एनी टाइप, ठीक है, या तो आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं या प्रेसिडेंट रूल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑल आर अंडर जुडिशियल परव्यू। ओके और एक बात और, ये 44वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐसा किया गया था, यानी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अनुसार जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं प्रेसिडेंट के, उसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के। ओके और इससे पहले जो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1975 के तहत, तो उसमें जो ये जो इंदिरा गांधी ने लाया था, तो उसमें जो जुडिशियल रिव्यू का कोई सेक्शन नहीं था, यानी वो जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी पावर्स है प्रेसिडेंट के, उसको एब्सोल्यूट वीटो दिया गया था, यानी दे कांट बी क्वेश्चन्ड। ओके दे कांट बी क्वेश्चन्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ओके बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उनको अंडर जुडिशियल रिव्यू लाया गया। ओके तो आप याद रखेंगे यह जुडिशियल रिव्यू के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग और आगे की बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। ओके आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।